हाय, दिस इज़ राम प्रवेश। वेरी गुड मॉर्निंग। आज बहुत दिनों के बाद हम लोग मॉर्निंग में जगे हैं। आई मीन हमारा थोड़ा सा रूटीन वैसा है। अभी मैं जा रहा हूँ स्टेशन, राइट? और आप जैसा देख सकते हैं, सुबह के 4:04 हुए हैं और इस तरह का जो फॉग मैं देख रहा हूँ, अभी कभी पुणे में देखा नहीं था एक्चुअली। तो ऐसे फॉग में आइए अपन टेस्ट करते हैं कि इसका जो हेडलाइट है वो कैसा परफॉर्म करती है। कब तो गाइस, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अभी जो लाइट जल रही है वो ओनली लो बीम लाइट जल रही है, अपर मैंने जलाया नहीं है। तो और ये जो रोड आप देख सकते हैं, रोड भी लेफ्ट साइड में, ये जितने भी ये आधी रोड ट्रिपल लेन का रोड है, बट उसमें दो लेन को कट किया गया है। मतलब उसके अंदर कुछ फाइबर ऑप्टिक्स के या तो इसके काम चल रहे हैं। कहीं कहीं पर आपको दिखेगा राइट साइड में मेट्रो का काम भी चल रहा है। और मैं एक चीज़ आपको बता दूँ कि ये जो हमारी रिकॉर्डिंग हो रही है ये डैशकम के अंदर से ऑटोमेटिक हो रही है, ये प्लान्ड रिकॉर्डिंग नहीं है। अभी मैं, जैसा आप देख सकते हैं, राइट साइड में ट्रक है और लेफ्ट साइड में एक छोटी गाड़ी है। अभी मैं अपर ऑन करके दिखाऊंगा, तब शायद आपको आइडिया होगा कि ये मैं कितना ऑथेंटिक बोल रहा हूँ। देखिए, एक बार और मैं डीपर को ऑन करता हूँ, देखिए। यस, तो गाइज मैं अननेसेसरली हाई बीम को हमेशा ऑन करके नहीं रखता हूँ। और इसके अंदर तो ऑलरेडी आपको पता है कि हमारा 1.7 का लग्जरी वर्जन है, इसमें ऑटोमेटिक हेडलाइट कंट्रोल भी है, तो वो सेंसर बेस्ड होता है। बट उसके अंदर आपने लास्ट वीडियो भी हमारा देखा होगा कि उसमें जो स्पीड सेंसर हेडलाइट जो होता है, ऑटो बूस्टर हेडलैम्प, वो तभी ऑन होता है जब आप मैनुअल उसको करते हैं। तो उसका अगर सेटिंग जानना हो तो जा करके उसको चेक कर सकते हैं। और अभी मैं क्रॉस हो रहा हूँ एक पुणे के आउटस्कर्ट एरिया से, और वहाँ पे भी आप देख सकते हैं, ऑल्दो ये पहाड़ से काफ़ी डिस्टेंस है, मैं जहाँ से चला था वहाँ पे बिल्कुल ही पहाड़ है। तो पहाड़ पे तो ऐसा है कि आपको 3-4 फीट से ज़्यादा की विजिबिलिटी नहीं रहती। आप देख सकते हैं कितने सारे स्ट्रीट लाइट्स इसमें इस टाइम पे भी ऑन है। तो टोटली वेल लिट एरिया है, सभी जगह प्रॉपर स्ट्रीट लाइट्स हैं। ऑल्दो अंडर कंस्ट्रक्शन है बट स्टिल वो दिखता है, कुछ प्रॉब्लम ऐसा होती नहीं है। श्योर, तो जैसे आप देख सकते हैं अभी ये स्ट्रीट लाइट जल रहे हैं, येलो कलर की लाइट है, उससे भी नहीं दिख रहा। तो मोस्टली लोग ये करते हैं, आइडियली गाड़ी में ऐसा आता है कि येलो कलर की पन्नी लगा लेते हैं लाइट के सामने। उसके कारण क्या है कि फॉग में कभी भी विजिबिलिटी बढ़ जाती है, येलो लाइट पेनेट्रेबल ज़्यादा होता है, तो उससे फॉगी एरिया में चलने में थोड़ी सी आसानी होती है। तो मैं वही एक देखना चाह रहा था कि ये किस तरह से ये अगर विदाउट येलो लाइट का कैसा परफॉर्म करती है। तो आई एम वेरी मच सरप्राइज टू सी कि ये वाइट लाइट में भी विदाउट हाई बीम मैं मोस्टली ऑन नहीं करता हूँ अनलेस वो रिक्वायर्ड ना हो, बिकॉज उस वो बिल्कुल स्ट्रेट लाइट होता है, तो अगली गाड़ी पे जा करके आपको रिफ्लेक्ट बैक होकर के आपके आइज पे पड़ते हैं। तो मोस्टली अगर आप हाईवे ड्राइविंग करते हैं, लॉन्ग वे ड्राइविंग करते हैं, तो उस टाइम पे इन सब बातों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होता है, ताकि लॉन्ग टर्म पे वो कहीं ना कहीं आपकी आँखों को डैमेज करता है। ओके, तो इसलिए मैं कंटिन्यूस ड्राइविंग में स्ट्रेन ना हो, और दूसरी चीज़ आज तो स्लीपिंग थोड़ी सी कम हुई भी है, तो इसके वजह से भी मैंने सेफ लोबिंग को ऑन रखा है। और अभी आप देख सकते हैं धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा फॉग से डिस्टेंस में जाता जा रहा हूँ, मतलब फॉग थोड़ी सी कम होती जा रही है, राइट? और आप जैसा देख सकते हैं ये जो रिकॉर्डिंग है, ये रिकॉर्डिंग हमारे डैशकम के अंदर से हो रहा है, मैं डेडिकेटेड रिकॉर्डिंग इसके लिए नहीं कर रहा हूँ। और ये फुल एचडी में, मोस्टली हमारा रिकॉर्डिंग जो है 4K के अंदर ही होता है, राइट? सो दैट आप किसी भी डिवाइस पे देखें तो आपको हाईएस्ट पॉसिबल क्वालिटी में मिलेगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, और यहाँ पे देखिए येलो लाइट ब्लिंक हो गई है, रेड लाइट है आगे राइट हैंड साइड पे आपको दिख रहा है। तो येलो लाइट ब्लिंक होने का मतलब ये होता है कि बेसिकली आप अपने बुद्धिमत्ता, आप अपने इंटेलिजेंस से चलें, मतलब आप देख के चलें। ऐसा आपने मोस्टली कई सिटीज़ में देखा होगा, बड़ी सिटीज़ में, कि जब एक रूटीन होता है, मान लिया पीक ट्रैफिक का पैटर्न होता है कि सुबह के 9 बजे से नाइट के 8 बजे तक बहुत हेवी ट्रैफिक रहती है, तो उस टाइम पे लाइटिंग कंट्रोल ऑटोमेटिक होती है, मे बी मैक्सिमम 10 बजे तक होता है, उसके बाद आपको ब्लिंकिंग लाइट्स दिखते हैं। तो उसका ये है कि आप लाल बत्ती से जैसे ही गुजर, अभी आप राइट साइड में देख सकते हैं यहाँ मेट्रो कंस्ट्रक्शन भी चल रहा है, और लेफ्ट साइड में आपकी खुदाई है फाइबर ऑप्टिक्स की, तो इसके वजह से एक ये रास्ता काफ़ी रिस्की हो जाता है एक्चुअली, इस तरह के आप लेफ्ट साइड में देखिए, राइट? अगर हेडलाइट प्रॉपर काम नहीं करे तो देखिए वहाँ पे कूद सकता है। तो इसके अंदर जो इतना गड्ढा होता है ना, आप ऐसा लगा सकते हैं कि 5 से 6 फीट का लेफ्ट साइड में गड्ढा है। अगर बाई मिस्टेक अगर उधर चले गए तो फिर गए काम से, वो बिल्कुल ही नीचे चले जाएंगे, राइट?
अब मैं थोड़ा सा आगे आ गया हूँ और आप देख सकते हैं सिटी की ओर मैं बढ़ रहा हूँ। तो सिटी में थोड़ा सा क्या है कि पॉल्यूशन के वजह से इधर इन्वायरमेंट का इम्पैक्ट भी कम होता है, इधर अंडर कंस्ट्रक्शन एरिया नहीं है, इधर के लाइट बिल्कुल सही दिख रहे हैं, तो यहाँ पे तो अपर डीपर यू नो लो बीम में भी काम चल जाता है, ऐसा कुछ दिक्कत नहीं है। राइट साइड में आप यहाँ पे देख सकते हैं इधर मेट्रो का काम थोड़ा सा कंप्लीट भी हो गया है, इसलिए थोड़ा सा और इस ये जो आपको येलो और ब्लैक का जो लाइन दिख रहा है ये एक्चुअली BRTS होता है, तो एक अलग से हाई स्पीड बस सर्विस रहती है उसकी है। तो बेसिकली हमारा आज का ये जो वीडियो मैंने देखा, ये जो कैप्चर हुआ है, तो इसमें यही मैं दिखाना चाह रहा था कि अपना जो लो बीम लाइट है, जो प्रोजेक्टर हेडलैम्प है XUV700 के साथ में स्टॉक इसमें जो आती है, तो वो बहुत सही है। मतलब उसके अंदर मैंने क्या कि उसके अंदर 3-4 सेटिंग है, राइट, 0 है, 1 है, 2, 3 है, तो उससे आप उसके उसको टिल्ट कर सकते हैं, कितना नीचे करना है लाइट को या कितना ऊपर करना है, तो जिस स्पीड में आप चल रहे हैं उस हिसाब से उसको अपने को एडजस्ट करना पड़ता है। अगर आप हाई स्पीड में चल रहे हैं तो आप अपने लाइट को ज़्यादा ही स्ट्रेट रखेंगे, अगर लो स्पीड में या तो फिर ऐसे हिल एरिया में चल रहे हैं जहाँ पे ढलाव है, तो वहाँ पे मोस्टली हमें वो चीज़ डाउन रखना चाहिए 0 पे सपोज, तो उस तरह से आपको वो थोड़ा सा एडजस्ट करके मैं आपको एक डिटेल वीडियो इसके ऊपर बना दूंगा। अभी तो ये चूंकि आप देख सकते हैं डैशकैम के अंदर से ऑटोमेटिक रिकॉर्डिंग हो रही है, तो उसके लिए मैंने सोचा कि एक ये इन्फॉर्मेटिव कंटेंट है जो कि आपको हेल्पफुल हो सकता है। और ये जो रिकॉर्डिंग है ये आप जैसा देख सकते हैं हमारे कैमरे की रिकॉर्डिंग नहीं है, ये जैसा मैंने बताया था कि हमारे कार में हमारे XUV700 में बाय डिफॉल्ट 24/7 मॉनिटरिंग के लिए अपना एक कैमरा इंस्टॉल्ड है जो डैशकैम है, यू नो उसके अंदर तो बहुत सारे वैसे तो फीचर्स हैं, उसके लिए काफ़ी डिटेल वीडियो हमारे पर हमारे चैनल पे बहुत सारे अवेलेबल हैं, आप उसको जाकर के देख सकते हैं। तो मैं उस पर्टिकुलर डिवाइस को पिछले 5 साल से यूज़ कर रहा था, तो आई एम वेरी मच हैप्पी विद दैट। तो मैं अपने पुराने कार में मैं बेसिकली यूज़ कर रहा था, बट मैंने इसमें इस कार में इसलिए लगाया बिकॉज वो कार का प्रोटेक्शन बिल्कुल ऑल अराउंड प्रोटेक्ट करती है, यू नो कार कहीं पे भी खड़ी है छोड़ करके मैं चला हूँ पार्किंग में, मान लिया सपोज मैं गाड़ी कहीं पे भी खड़ा कर दिया पार्किंग में और चला गया, मान लिया सपोज स्टेशन चला गया, एयरपोर्ट कहीं पे भी, एनीवेयर इन द मॉल्स, तो उसके बाद कार के पीछे क्या हुआ, किसने उसमें जैमर लगाया या किसने उससे उसको उठा करके लेके चला गया, पुलिस वाला कहाँ चला गया, तो ईच एंड एवरी फीड हमें मिलती रहती है मोबाइल पे, अलर्ट आता है, जैसे ही कार के चारों तरफ कोई भी रोम भी कर जाएगा ना, घूम भी जाएगा तो भी अलर्ट आ जाता है, सो दैट इज़ क्वाइट यूजफुल। काफ़ी लोग इसको मजाक में भी लेते हैं, यू नो लोग का मैं देखता हूँ प्रीवियसली कमेंट मैंने काफ़ी देखा कि लोग बोलते हैं कि ये एक कैमरा है, ये ऐसा नहीं है, इसके अंदर 4G सिम लगता है, ये इसका अपना नेटवर्क होता है एंड रिमोटली मॉनिटर कर सकते हैं, अदर देन दैट ये एडास इसके अंदर है, सो एडास बोलते हैं तो उसके अंदर 3 टेक्नोलॉजीज आती है, दैट आई हैव डिटेल मैंने पिछले वीडियो में डिटेल ऑलरेडी किया हुआ है, तो आप वहाँ पे जा कर के ये देख सकते हैं और आपको एक लाइव दिख जाएगा कि क्या ये कितना इफेक्टिव है या। तो बेसिकली गाइस ये थोड़ा सा ऑफ टॉपिक है और अभी इस वीडियो का जो मतलब था इसमें मैंने यही देखा कि जैसे जैसे यू नो अगर आप फॉगी एरिया में चलते हैं तो किस तरह का आपका लाइट का थ्रो यू नो वर्क करती है, क्या आपको एक्स्ट्रा लाइट लगाने की ज़रूरत पड़ सकती है, लाइट के सेटिंग के बारे में और इन सब जो एडजस्टमेंट है उसके लिए मैं डिटेल वीडियो बना दूंगा। अभी ये मैंने जस्ट देखा कि इसका ये काफ़ी इम्प्रेसिव यू नो आउटपुट है, तो मैंने सोचा ये आपसे शेयर करूँ, मुझे आशा है आज का ये छोटा सा वीडियो आपके लिए कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेटिव जरूर होगा। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, मिलते हैं अगले वीडियो में, टिल देन सी यू, टेक केयर, बाय बाय।